देखिए, खतीब अकबर साहब का जहाँ तक ताल्लुक है तो सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके नाम से, क्योंकि मैं इस मजमे में देख रहा हूँ कि सिर्फ अकबरपुर या हिंदुस्तान के लोग नहीं आए हुए हैं, अमेरिका से लोग आए हुए हैं, ईरान से लोग आए हुए हैं, इराक से लोग आए हुए हैं, लंदन से लोग आए हुए हैं, और हिंदुस्तान के जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले से कुछ ना कुछ नुमाइंदगी है इस प्रोग्राम में, क्योंकि उनकी खिदमत ऐसी हैं कि हमेशा जो है फ़ज़ाइल आले मोहम्मद की जो वकालत की है उन्होंने हमेशा, और मेंबर को कभी सियासत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, अपने ज़ातियात को कभी मेंबर पर बयान नहीं किया खतीब अकबर ने, यह सबसे बड़ी खूबी रही है। जब भी बयान किया आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान किया बस। देखिए, कौम का तो एक हमेशा उनकी हर मजलिस में कोई ना कोई मैसेज होता था, इंसानियत का मैसेज। सबसे पहले हमने तो बॉम्बे में उस वक्त हम थे जब आतंकवाद के ऊपर इन्होंने एक जो है अशरा पढ़ा था, तो उसमें जो मैसेज दिया था, हमारी शिया कम्युनिटी से ज़्यादा जो है अहले सुन्नत की कम्युनिटी भी उनकी मजलिसों को सुनती थी, और ख़ासकर बौरी और हिंदू, और बड़ा अच्छा जो है मैसेज उसमें खतीब अकबर का जो है जो बेस होता था उसी पर ऐसा नहीं कि इस्लाम बयान कर रहे हैं, बल्कि एक इंसानियत के लिए एक मैसेज होता था, और पूरी दुनिया में इसीलिए आप बहुत सारे जो है बॉम्बे में जो खतीब अकबर के लिए बहुत से लोगों ने चाहा कि जो है खतीब अकबर आगे ना पढ़ पाएँ, तो बहुत सारी हिंदू कम्युनिटीज़ ने और अहले सुन्नत कम्युनिटीज़ ने उनकी जो फेवर किया खतीब अकबर का कि नहीं उनको आना चाहिए, इसीलिए 58 ईयर्स 58 साल तक खतीब अकबर ने एक मेंबर से, उस मेंबर को इन्होंने इतना बड़ा मेंबर बना दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा मेंबर था मुगल मस्जिद। देखिए, लखनऊ तो तहजीब का मरकज रहा है हमेशा, और जितने भी आज़ादारी, ख़ासकर हम अगर अपनी शिया कम्युनिटी की बात करें, आज़ादारी आज हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी हो रही है उसकी नुमाइंदगी कहीं ना कहीं से लखनऊ से ही हुई है, लखनऊ ने वो मैसेज दिया है, और दूसरे लखनऊ के उलमा ने, खासकर खतीब अकबर तो एक इतना बड़ा नाम है कि गिनीज बुक ऑफ लिमका में भी उनका नाम है, इतना बड़ा नाम है खतीब अकबर का। ये खतीब अकबर के बयानात, दूसरी बात यह है कि खतीब अकबर के बयानात में एक खासियत ये होती थी, हम लोगों से खुद बात हुई है खतीब अकबर से, तो खतीब अकबर ने यही कहा कि मैं अपनी गुफ्तगु को अगर आलिमाना तौर से जो है समझाने की कोशिश करूँ तो हो सकता है हमारा मैसेज महदूद तबके तक रहे, अपनी गुफ्तगु को जब भी हम करना चाहें तो उसको इतना आसान बना देते थे, आसान लफ्ज़ों में, आसान उर्दू में, कि हर तबके तक उनका मैसेज पहुंच जाए।